I need help. Close the motor. Oh, really? Wait. ये देखना, मुझे नजर नहीं आ रहा. Now I cannot see anything if I am on the road, so maybe one of you. I don't see anything, but the thing is, it's getting tiring and tiring. And it's cold, I'm freezing. अस्सलामुअलैकुम और गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम एर्ज़ुरम तुर्की. आज का मेरा प्लान ये है कि सबसे पहले जाके इंशाल्लाह सिटी के अंदर दो चार हिस्टोरिकल जगहें हैं वो एक्सप्लोर करते हैं, और उसके बाद हमारा लंबा प्लान है क्योंकि आज हमने जाना है त्रबज़ोन. त्रबज़ोन है ऑलमोस्ट यहाँ से 300 किलोमीटर, लेकिन अब हम लोग हाईवे नहीं लेके जाएंगे, हम लोग लेके जाएंगे यहाँ की जिसे कहते हैं डेथ रोड D590 या 980 कुछ इस तरह करके. मैं आपको बाद में उसके बारे में बताऊँगा. और वहाँ पे जाने की रीज़न ये है कि जो बुराक है उसकी बाइक में इशू है और उसने हुंडा वालों से अपनी इस बाइक की सर्विस करानी है. मेरा प्लान ये या मेरा इरादा ये है कि हम लोग रास्ते में किसी जगह नाइट स्टे करें, क्योंकि आज हमारे तकरीबन 7-8 घंटे की राइड पक्की है. लेकिन ये कि अभी सबसे पहले सिटी जा कर एक्सप्लोर करते हैं. मैं अभी अपने होटल से निकला था, होटल काफ़ी अच्छा है, बहुत चीप मिला था मुझे, ऑलमोस्ट 13 यूरोज़ मैंने इसके पे किए हैं. तो उसके बाद इंशाल्लाह अपना जो है मैं आपको थोड़ा जो राइड के बारे में होगा वो एक्सप्लेन करूँगा. एर्ज़ुरम की सबसे हिस्टोरिकल बिल्डिंग है यहाँ का ट्विन टावर मदरसा, या जिसे तुर्किश में कहते हैं चिफ्ते मिनारेली मदरसा, जो 1265 में बना था सेल्जुक तुर्क्स के दौर में. इस सिटी में मोस्टली बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स आपको जो नज़र आएंगे वो सेल्जुक तुर्क्स के दौर में बने हुए हैं. वो भी काफ़ी बड़ी एम्पायर थी जो ऑटोमन से पहले के थे. ये अभी अंदर से क्लोज है, लिखा हुआ था कि 8 बजे ओपन हो जाएगा, और मैं 9:30 बजे, अभी 9:30 बज गए और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ. कोई बंदा अभी तक यहाँ पर है भी नहीं कि मैं उससे पूछ सकूँ कि अंदर जा सकते हैं कि नहीं जा सकते. इस मदरसे की बिल्कुल बैक साइड पे कुछ मेडिवल कब्रें वगैरह हैं, मैंने ड्रोन शॉट्स उनकी ली थी, और बिल्कुल साथ में ये वाली जो है ये है यहाँ की उल्लू चामी, और बिल्कुल बैक साइड पे यहाँ पे जहाँ पे आपको झंडा नज़र आ रहा होगा ये यहाँ का फोर्ट. तो मैं सोच रहा था कि अभी जाके उल्लू चामी के अंदर जाते हैं, और उसके बाद फोर्ट जो है उसकी अनफॉर्चुनेटली वॉल्स पे हम नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पे रेस्टोरेशन का काम चल रहा है. अगर तब तक मदरसा अंदर से ओपन हो गया तो ठीक है, अदरवाइज़ मुझे अगर अपना सफ़र जो है वो कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे साथ वाले जो वो इंतज़ार करें, मैंने उन्हें कहा था कि मैं 9 बजे आ जाऊँगा, और आई एम नॉट श्योर कि अंदर से अभी खोलते हैं या खोलेंगे भी कि नहीं. तो चलते हैं. एर्ज़ुरम की सबसे बड़ी और पुरानी मॉस्क को कहते हैं उल्लू चामी, जो 1179 में बनी थी और अब ऑलमोस्ट 850 ईयर्स ओल्ड है. इस मॉस्क को रिस्टोर किया गया है, ये सेल्जुक तुर्क्स के दौर में बनी थी, और इसको आप बाकी ऑटोमन्स की मॉस्क के बड़ी आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. जो मैंने एक चीज़ नोटिस की है, यहाँ पर मॉस्क के जो वॉल्स हैं उसके ऊपर कोई कैलीग्राफिक नहीं है. जो बाकी मॉस्क मैंने देखी इस्तांबुल में, एदिर्ने में, उन सब पर बहुत ज़्यादा कैलीग्राफी हुई है, तो वो भी अपने लिहाज से खूबसूरत है. ये डिफरेंट एक आर्किटेक्चर है इनका. उसके अलावा मॉस्क अंदर से बिल्कुल सिंपल प्लेन है, इसकी डोम्स जो हैं वो बहुत बड़ी नहीं है. अनफॉर्चुनेटली बहुत अंधेरा है अंदर, तो मैं बहुत ज़्यादा कैप्चर नहीं कर सकता उसकी डोम्स वगैरह को. उसके अलावा एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि मॉस्क के अंदर उन्होंने 3 मॉडल बना के रखे हैं, मक्का, मदीना और जेरूसलम वाली मॉस्क के. तो मुझे प्यारा लगा ये देख के जेरूसलम का, क्योंकि मैं वहाँ पर गया हूँ. और अभी हम चलते हैं यहाँ से बाहर, ये आ गए सफाई करने के लिए, और मैंने उन्हें कहा था कि मुझे थोड़ा सा रिकॉर्ड करने दें. तो हम लोग निकलने के लिए तैयार हैं. बुराक गोरकन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभानअल्लाह, या अल्लाह खैर खरीय से आज का दिन निकालना. आज जो हम रोड करने जा रहे हैं उसका नाम है D915, और इसको कहा जाता है तुर्की की सबसे मुश्किल और सबसे ख़तरनाक रोड. तो आज की राइड के लिए बुराक और गोरकन ने एक्चुअली अपनी बाइक्स जो है ना वो चेंज की हैं उन्होंने. क्या कर रहे हैं, बुराक की बाइक में जो सस्पेंशन लगी है उसका स्प्रिंग बहुत हार्ड है,
और उसको मसला हो रहा था वो राइड करने में। और ये जो आप सामने देख रहे हैं, हम इधर पहले आए थे सुबह के टाइम ट्विन टावर में दृश्य, और साथ में ये मॉस्क है, और ये आप देख सकते हैं फोर्ट यहाँ का, अभी भी नहीं मदरसा खुला हुआ आप देख सकते हैं कि। और अभी 10:30 हो गए हैं, मतलब 8 बजे का लिखा हुआ था और 10:30 बजे तक इन्होंने मदरसा अभी अनफॉर्चुनेटली नहीं खोला। बहुत ज़्यादा यहाँ पे टूरिस्ट भी नहीं है शायद इस वजह से। और ये यहाँ की मॉस्क है, पाशा अली पाशा मॉस्क आई थिंक इसका नाम है, लेकिन जो पुरानी मॉस्क है वो उल्लू चामी है पीछे। ये आप देख सकते हैं कि ये ऑटोमन्स के स्टाइल में इसको बनाया गया है। ये मीनार बड़ा खूबसूरत लग रहा था मुझे, इसका पता नहीं कि इसको क्या कहते हैं। और अभी हम सिटी सेंटर से गुजर रहे हैं, हमें सबसे पहले जाना है पेट्रोल स्टेशन, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 30 किलोमीटर का और पेट्रोल है। और उसके अलावा यहाँ से एक मसला ये है कि हमारी जो चेंज हैं, मैंने ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर से साफ़ नहीं की हुई, और इनकी भी तकरीबन 1-1.5 हज़ार किलोमीटर हो गया है। मैंने इस्तांबुल में ही साफ़ की थी, तो अभी जाके वो साफ़ करनी है, क्योंकि लास्ट टाइम जो तुजगुलों से मैं गया था, जो लेक थी सॉल्ट लेक, उसने चेन को जो है बड़ा नुकसान पहुँचाया, ख़राब हुई पड़ी है फुल, तो आज साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर कोई पेट्रोल स्टेशन जहाँ से हम अच्छी तरह इसको साफ़ कर सकें वो ढूँढ रहे हैं। ये किसका बना हुआ स्टैचू, हम इसकी बैक साइड से गुजर रहे हैं तो इसलिए हमें ये नज़र नहीं आ रहा। ये आगे सामने आ गया पेट्रोल स्टेशन। I've been to Ben and Mom's standards. What are you doing? Bread is not fresh. So हमारी लास्ट चीज़ रह गई है लुब्रिकेंट, सो ब्राक हेल्प कर रहा है लुब्रिकेशन में। सो नाउ माय बाइक इज परफेक्ट एंड लाइक न्यू। सो हम लोग निकल रहे हैं जी अब यहाँ से, बहुत टाइम हमने यहाँ पे लगाया है, तकरीबन 1.5 घंटा हमें लग गया बाइक्स क्लीन करते हुए, चेंज वगैरह। और फिर लंच भी हमने कहा कि चलो यहाँ से कर लेते हैं, क्योंकि मैंने तो नाश्ता नहीं किया था, तो इनका लंच हो गया। आगे पुलिस वाले खड़े, इसलिए मुझे कह रहा था कि स्लो हो जा भाई, स्लो हो जा। ये आगे फिर पुलिस वाले नाका लगा के बैठे हैं, जाने देते हैं कि रोकते हैं। सो हमें तो रोक लिया उसने, कहा साइड पे आ जाओ। So the limit is? The limit is 90 kilometers per hour. Yeah. And we have 10% of passing tolerance. Tolerance, yeah. So it's 99 kilometers per hour. Yeah. And he entered the radar with 102 kilometers. So how much he have to pay? 280 liras. 280 liras. That's a lot. He was in front of us. The interesting thing is we were doing the same speed. We were behind him. You said slow down or what? Yeah. बेचारे को अच्छा खासा फाइन हो गया, 280 लीरा, ये बन जाते ऑलमोस्ट 40 यूरो, जो पाकिस्तान के लिहाज से 7,000 रुपया बन जाता है, 6-7 हज़ार। और हम लोग मोस्टली जो स्पीड से जा रहे थे वो 90 की स्पीड है। ये एक ही पैच आया था जिसपे कोई बंदा थोड़ा सा ऊपर जा रहा था, या एक आधा पीछे पैच आया जहाँ पे हम 100 क्रॉस किए थे, इधर बैठे हुए थे कैमरे लेके। हेलो
like 5-6 kilometers away from city center. Okay, perfect, because we will talk about the rest of the day. Okay, because I'm very sleepy. I need chai. रूटीन चेक हो रहा है। बेबुर्स टाउन में एक्चुअली कुछ देखने का खास नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे नहीं रुक रहे, D915 रोड की तरफ ही जाएंगे और उसी एरिया को एक्सप्लोर करेंगे। सो यहाँ से हम लोग डायरेक्शन अपनी चेंज कर रहे हैं, ये रोड आगे जा रही है त्राबजन की तरफ, लेकिन हमने अब अंदर का रूट ले लिया और हम सीधे माउंटेन्स वाले रीजन की तरफ जाएंगे। और पहले हम उसके पास के टॉप पे जाएंगे और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है वहाँ से नीचे उतरेंगे। कुछ सेक्शन इसके हैं जो असफाल्ट हैं और उसके बाद जो सेक्शन होगा वो ऑफ रोड सेक्शन होगा। इस साइड से हम लोग काफ़ी ज़्यादा विलेजेस वगैरह पास करेंगे, फिर एक रिमोट सा एरिया आएगा और उसके बाद फिर दोबारा से दूसरी साइड पे जब उतरेंगे वो मेन टूरिस्टी एरिया जहाँ पे मोस्ट टूरिस्ट जो हैं वो उस साइड पर आते हैं। तो अभी मैं आपको साथ साथ जो है इसके बारे में, एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन देता जाऊँगा। ये सामने मुझे एक अच्छा सा फोर्ट नज़र आ रहा है। This place has just the road is important here. Okay. Road is unique. You go here, yeah. Those zigzags, then go here and get those zigzags and go there. D915 का जो प्लान है वो बुराक ने पूरा अपना बना लिया। अपने किसी दोस्त वगैरह से बात कर रहा था क्योंकि ये दो रोड्स हैं, एक असफाल्ट वाली और एक पुरानी है जिसके ऊपर जिगजैग वाले जा रहे हैं, तो हम जा रहे हैं जिगजैग वाले। ये बाईबर्थ और ऑफ जो कि एक छोटा सा एरिया है, ये गांव है, इसके पास त्राबजन के पास ये पुरानी रोड है जो उसको कनेक्ट करती है। तो अभी हम उस पर जाएँगे, तकरीबन है 54 किलोमीटर और जिसपे हमें लगेंगे 3-3.5 घंटे, पक्की बात है। तो हम 6-6:30 बजे के करीब जो है वहाँ पहुँचेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि साथ में वो कैंपिंग वगैरह। सो वी आर गोइंग टू डू कैंपिंग टुनाइट। द हाइट, आई डोंट नो, एलिवेशन, एलिवेशन, या एलिवेशन इज टू हाई, दैट्स व्हाई इट्स दैट देयर इज नो ट्रीज, इट विल बी विंडी इन द नाइट। इफ वी फाइंड सम गुड प्लेस वी कैन ऑलवेज चेक इंस्टेड ऑफ गोइंग टू उज़िंगोल, बिकॉज़ उज़िंगोल विल बी अनदर 40 मिनट्स ऑफ राइड। आई थिंक देयर इज अनदर रोड, yeah, okay. It's not shown on the map, but when you check satellite view, it's shown. Okay. But directly. And Uzungul is a point, you know. Yeah. We have to see it. अभी हम लोग जिस गांव में ऐसे कहते हैं आयदन तेपे, और यहां से अब लोग निकल रहे हैं। कुछ इन्होंने लोकल्स वगैरह से पूछा तो उन्होंने बताया कि यहां पे एक और शॉर्टकट भी है, अदरवाइज़ हमने वो जो मेन रोड जिससे हम पहले गुजर रहे थे हमने वही असफाल्ट वाला लेना था। आई होप कि ये बहुत ज़्यादा ऑफ रोड वाला सेक्शन नहीं होगा, क्योंकि ऑफ रोड तो आगे भी जाके करना है, अदरवाइज़ हमें 2-2.5 घंटों में ये नहीं होगा पूरा। बाय बाय। उस साइड पे काले बादल हैं, उस साइड पे होपफुली हमें नहीं जाना पड़ेगा। इस साइड पे मौसम बेहतर है तो उम्मीद करता हूँ कि हमने इसी साइड पे रहना होगा, नहीं तो हम लोग पक्का बारिश में फंसेंगे। मुझे सामने नज़र आ रहा है कि वो एक जिगजैग करके रोड जा रहा है, तो मुझे लगता है कि हम लोग सीधा बादलों में जाएँगे और उस साइड से जब नीचे उतर आएंगे तो बादल ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि सिर्फ पहाड़ की पीक पे बादल हैं। लग यही रहा है रोड, हो सकता है मे बी को अंदर से कोई और भी जाता हो, लेकिन अब मैंने नेविगेटर जब से मेरे पास साथ ये ट्रैवल कर रहे हैं मैंने इनको आगे लगाया हुआ है। और अभी आप लोग साथ साथ में यहाँ के जो विलेज हैं वो देखते जाएँ, मैं उनमें से गुजर के जा रहा हूँ, विलेज लाइफ देखें, बिल्कुल हमारे विलेज से मिलते जुलते हैं काफ़ी ज़्यादा, लेकिन थोड़े से साफ़ सुथरे हैं। खैर हमारे विलेज से तो साफ सुथरे हैं, बाकी विलेजेस का मुझे नहीं पता, उसका तो मैं खुद गारंटी दे के कह सकता हूँ कि इतने साफ नहीं है वो।
ट्रैक्टर वाला आ गया। चलो जी, ये ऑफ रोड सेक्शन स्टार्ट हो गया, हद होगी भाई, बाइक को मरवाने का प्लान है इनका। और अब यहाँ पे वो काले क्लाउड्स जो है ना वो पहुँच गए हैं। हवा बहुत ठंडी चल रही है इधर, ये गाय कहीं टक्कर ना मार देती। इनको लगने लगी है सर्दी। गाइस, डू यू हैव समथिंग टू क्लीन द वाइजर? नो, मेरे पास है लेकिन वो पीछे मैंने रखा हुआ। माशाल्लाह, गांव में भी इतनी खूबसूरत मॉस बनाई है इन्होंने, इतने पहाड़ों में जाके। हवा हवा हवा। हम लोग फाइनली पास के टॉप पे पहुंच गए। राइड काफ़ी टफ थी, स्पेशली जिस तरह का मौसम है। मैं आपको बता रहा था पहले भी, एडवेंचर में इस तरह का होता है, आप इतनी मेहनत करके टॉप पे आते हैं और आपको कुछ नज़र नहीं आता। और मुझे इस पास का नाम जो है ना वो याद नहीं, या मुझसे प्रोनाउंसिएट नहीं हो रहा, सो आई एम गोइंग टू आस्क Barack, व्हाट्स द नेम ऑफ द पास? Soğanlı geçidi, which means in English with onion pass. Pass with pass onion. With onion. We had actually onions. We couldn't see anything. yeah. Maybe there are some onions. Yeah. But we couldn't maybe. See anything. यहाँ से asphalt start हो जाएगी और आगे वाला जो सफर है वो थोड़ा सा asphalt है, उसके बाद फिर हमारा off road section आएगा जो zigzags हैं। तो main हमारा जो सफर है, actually जो main हमारी जो ride है वो वहाँ से start होनी थी। ये तो हमने वैसे ही किया था। तो अब टाइम है पास से नीचे जाने का। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कुछ भी नहीं नज़र आया। ये है जी ज़िगज़ैग का स्टार्ट हमारा। या भी अल्लाह आगे से नीचे से मौसम जो है वो बेहतर हो जाए यार। इस मौसम में इतने ख्वाब लेके यहाँ पे आए थे और आपने आगे से देखा ही कुछ नहीं। देख ले, वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, सिर्फ मैं ही नहीं। देख रहा है किधर से निकले। लो जी, ये पानी वाला आ गया से। तेरी खैर हो जाए। बाइक जो है ना वो काबू नहीं आ रही यहाँ पे, बहुत गारा है। क्या कह रहा? Allah Allah Allah. Ya girme götüme işte. Abiler girme götüme ya. Hayır. Woo! Helal. Niye? Selamünaleyküm.
सो हमने लिया जी एक टर्न गलत और हम जहाँ पे पहुँचे हैं यहाँ से हमने पुलिस ने वापस भेज दिया कि चलो यहाँ से वापस निकलो, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, ख्वार हो गए हैं। वो रास्ता पीछे से बंद था तो मैंने सोचा पता नहीं ये किस वजह से बंद है, अब वहाँ से दोबारा गुजर के जाना है यार। एक बार बड़ी मुश्किल से हुआ है। I need help. ये देखिए बैंक क्लोज द मोटर ओके आई गॉट यू कम फ्रॉम दिस वे ओह रियली वेट या या नाउ वेट यू ओके या गुड यस ओके या ओके वेट फॉर अ सेकंड वेट चेक योर here anything nothing let's go okay. Here. There is corona in this village, that's why they stop it. Move. Yeah, that's a blockade actually, coronavirus blockade. Okay. So what's the plan now? We are going, everything is okay. Yeah, hold on. ये होती है किस्मत। मैं तो चाह रहा हूँ कि यार अभी एस्फाल्ट पे लगें और किसी होटल को जाके ढूंढे, 7 बज गए और ये ना हो कि ये ख्वार ही कराते रह जाएं इधर ही। मैं तो शक में नहीं हूँ, अभी लिटरली के रात के शाम के इस टाइम अभी 6:50 हो गए हैं और 1 घंटा हमारे पास और लाइट है, उसके बाद तो यहाँ पर लाइट है ही नहीं। इस तरह की रोड्स पर फिर बग़ैर लाइट के चलाना काफ़ी ख़तरनाक है। बहुत स्लिपरी है यहाँ पे, बहुत स्लिपरी है। İleriden ya abi saçma sapan bir şey bu ya. Abi saç ya हम लोग पिछली बार रास्ता भूल के अभी हमें वापस आना पड़ा आगे से, तब इससे पूछते हैं कि अभी इसको पता। It's crazy. Now do you know the way? Yeah. Now I know, but okay. Remember it. First left, then left. Let me see. First left, then left. चलो जी भैया अब रास्ता ना भूलना, मेरी हालत बड़ी टाइट हो गई है। वो तो है ही बंद हुई पड़ी। सो आगे से रोड जो है वो बंद है यार, क्या ख्वारी होगी हमारी। तो रोड टोटल आगे से ब्लॉक है क्योंकि यहाँ पे लैंडस्लाइड हुई है और अब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। फाइनली मेरे अंदर से यहाँ पे पहुँचने के बाद अब आगे तकरीबन 5 से 7 किलोमीटर रहता था ये जिगजैग वाला पाथ। अब अनफॉर्चुनेटली हमें दोबारा वापस उसी जगह पे जाना पड़ेगा जहाँ पे हमने पहले उस पाथ पे गए थे और फिर वहाँ से हमें एस्फाल्ट लेनी पड़ेगी। तो ये तो बहुत ही खुआरी होगी हमारी, 3 दफ़ा गलत रास्ता लिया और जब सही रास्ते पे पहुँचे हैं तो आगे से रास्ता भी बंद है और अब दोबारा वापस जाओ। मैंने गूगल शो का किल्ला görüyorsunuz Google. Aa. Aa. अभी हम दोबारा असफाल्ट पे आ गए हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वापस उधर, जितों की खोती उतें ही आड़ खलोती। तो हम तकरीबन 3 घंटे की जलालत के बाद दोबारा उधर आ गए हैं। उजिंगुल, उजिंगुल।
बहुत सर्दी है, बहुत सर्दी है, कुल्फी जाऊंगी आज। यार किधर फंस गए हैं, जहां भी हो मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। क्या घटिया BMW ने लाइट बनाई है यार, हर चीज पे पैसे बचाते हैं ये कमीने, इस पे भी पैसे बचाए हैं यार, हद नहीं होगी। गुस्सा आ रहा है मुझे इस कंपनी पे, वो इस तरह की लाइट सामने पड़ रही है कि नजर नहीं आ रहा, मैं इसको ऑफ कर भी नहीं सकता। लाइक नाउ आई कैन नॉट सी एनी थिंग इफ आई एम ऑन द रोड, सो मे बी वन ऑफ यू। क्या The thing is, it's getting tiring and tiring, and it's cold. I'm freezing. ये जी BMW की क्वालिटी लाइट, ये जा रही है, ये जा रही है, ये लेफ्ट राइट जा रही है, और जहाँ पे ज़रूरत है उधर लाइट जा नहीं रही। पैसे भी बताए तो किस चीज़ पे बचाए इन्होंने। और ये कि नीचे मेरी जो लाइट्स लगी हैं वो बहुत अच्छी हैं, उनकी लाइट बिल्कुल फिट है, लेकिन मसला ये है कि मैं इस लाइट को ऑफ़ नहीं कर सकता। अगर तो मैं ऑफ़ कर दूं किसी तरह तो फिर मैं बड़े मज़े से राइड कर सकता हूं। ये आंखों को सामने से जो है ना नीचे देखने ही नहीं देती। चेक करें इसे, अभी हमारा 16 किलोमीटर रहता है जिसके ऊपर हमें ऑलमोस्ट 36-37 मिनट लगेंगे। बुराक आगे लगेगा, दरमियान में कॉर्कन और सबसे पीछे मैं। अब मैंने कहा कि भाई मुझे अपने मेरे साथ साथ रहो ताकि मुझे लाइटें नज़र आएँ। चलो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अल्लाह खैर खैरियत से लेके जाना। राइट साइड पे इतनी बड़ी खाई है कि उधर लिटरली कुछ भी नहीं है, मतलब आप खुदा ना खास्ता कोई गलती हुई तो सीधे नीचे जाएँगे। और अभी मुझे इनकी स्पीड के साथ साथ जाना है, क्योंकि अगर ये एक दफ़ा गुम हो गए तो मेरे लिए बड़ा मसला हो जाएगा। भाई मैं सिर्फ उसको फॉलो कर रहा हूँ, लिटरली उसकी लाइट्स की तरफ देख रहा हूँ, और मुझे कुछ नहीं पता कि आगे क्या है, लेफ्ट पे क्या है, राइट पे क्या है। तो हम लोग फाइनली पहुंच गए यार, बहुत ही, मैं कहता हूँ मेरे पास अल्फाज नहीं, मैं इस राइड के बारे में क्या कहूँ। फितर बतेर, ये तो अरबियों के लिए, इन्होंने रेस्टोरेंट्स ही अरबियों के लिए पूरे पूरे बनाए हैं। किधर गए हैं ये दोनों, ये खड़े हैं। आज के दिन के बारे में मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो बहुत अच्छा गुजरा, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत एडवेंचरस था। कुछ जगहों में मैंने बहुत इन्जॉय किया, लेकिन जो लास्ट वाला पार्ट था उसमें मैं ये कह सकता हूँ कि वो जो एडवेंचर और स्टूपिडिटी में एक फ़ाइन लाइन होती है, हमने आज वो क्रॉस की। लास्ट वाला जो 1.5 घंटा है वो हमें अंधेरे में जो हमने किया उसमें बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था, बहुत ख़तरनाक था। होपफुली आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा, और अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।